दोस्तों, कैसे मिला कर्ण को अर्जुन के हाथों जीवन दान। दोस्तों, महाभारत के सभी पात्रों में से केवल अर्जुन ही एकमात्र ऐसे योद्धा थे जो किसी भी चुनौती या परेशानी का सामना करने में समर्थ थे। अर्जुन के सामने चाहे जो भी परिस्थिति आई, उन्होंने अपने पराक्रम और बुद्धिमानी से उनका सामना बड़ी ही आसानी से किया। अब भगवान श्री कृष्ण के अनुसार अगर हम किसी बात का निर्णय लेने में देरी कर देते हैं तो उसका कुछ मतलब नहीं बनता। इस बात का महत्व अर्जुन बहुत ही अच्छे से समझते थे। वे किसी भी काम को करने में इतनी देरी नहीं लगाते थे कि उसका महत्व ही खत्म हो जाए। तो आइए जानते हैं महाभारत का वो प्रसंग जब कर्ण को मिला था अर्जुन के हाथों जीवन दान। दोस्तों, आप वीडियो पूरी देखिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। दोस्तों, अर्जुन ने कई जगह पर अपनी नैतिकता का परिचय दिया था। जब भगवान श्री कृष्ण हर समय यह प्रयास करने की कोशिश करते थे कि युद्ध के समय कहीं अर्जुन और कर्ण का एक दूसरे से आमना सामना ना हो जाए। अब जब एक कुरुक्षेत्र में कर्ण और अर्जुन का आमना सामना एक दूसरे से हो गया तो वे दोनों एक दूसरों पर तीरों की वर्षा करने लगे और भयंकर युद्ध शुरू हो गया और अर्जुन कर्ण पर भारी पड़ने लगे। तब अर्जुन ने कर्ण को लगभग परास्त कर दिया था। इसी बीच अर्जुन कर्ण पर एक घातक बाण छोड़ने ही वाले थे कि तभी वो अर्जुन ने अपने बाण रोक दिए, क्योंकि सूर्यास्त हो चुका था और वह बाण ऐसा था कि सूर्यास्त के बाद अगर कर्ण पर चला देते तो निश्चित रूप से कर्ण की मृत्यु हो जाती। लेकिन अर्जुन ने ऐसा नहीं किया, साथ ही युद्ध के नियम को भी नहीं तोड़ा और पूरी तरह से नैतिकता का पालन करते हुए कर्ण को जीवन दान दिया। ऐसे ही कई बार कर्ण ने भी अर्जुन को जीवन दान दिया है। युद्ध अपनी जगह है, लेकिन अपनी नैतिकता का साथ देना अपनी जगह। भले ही आप कोई भी काम करें, लेकिन उस काम को ईमानदारी के साथ ही करना चाहिए। जय श्री कृष्ण।